हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है। बेसिकली जो अकाउंटिंग में जो ABCD हम जिसे कहते हैं, जो हमें यूज में आती है, जैसे हमने बचपन में इंग्लिश सीखी थी, इंग्लिश सीखते वक्त हमने ABCD पढ़ी थी। ABCD की हेल्प से हमने क्या किया था, अभी जब आप ऐसे लिखते हो, लेटर्स लिखते हो, ये सब चीज़ें आपको पता चली कहाँ से, जब आपने ABCD सीखी, बाद में कुछ रूल्स सीखे। वैसे ही ये अकाउंटिंग क्या है, एक बिजनेस की लैंग्वेज है, जिसे हमको एकदम बेसिक से एकदम स्क्रैच पासून आपल्याला ती गोष्ट शिकायची आहे। सो मित्रांनो, हम सीखने जा रहे बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन अकाउंटिंग। सबसे पहले एंटिटी। एंटिटी मीन्स क्या? एंटिटी मीन्स डेफिनाइट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। मैंने आपको पहले जो हमारे प्रीवियस वीडियोस है उसमें भी बताया हुआ है कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो हमको अकाउंटिंग करनी है, वो किसके पर्सपेक्टिव से करनी है? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से करनी है, समझो। अभी आपको समझो अकाउंटिंग करनी होगी, जो अपना रामलाल का जो शॉप है, समझो ये रामलाल नाम का एक आदमी है, ओनर है उसका, ये जो शॉप है, और इसके शॉप का नाम क्या है, इसके शॉप का नाम है राम लिमिटेड, समझो। तो हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं, जो अकाउंटिंग हमें करनी है, वो किसके प्रस्पेक्टिव से हम करेंगे बच्चों? हम अकाउंटिंग करेंगे रामलाल के प्रस्पेक्टिव से, क्या नहीं? हम अकाउंटेंट किसके? हम अकाउंटेंट बिजनेस के हैं, ना कि रामलाल के हैं। हम इंडिविजुअल पर्सन की अकाउंटिंग करते हैं क्या? करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली हम जब अकाउंटिंग करते हैं वो किसके परस्पेक्टिव से करते हैं? बिजनेस के परस्पेक्टिव से। अभी समझो कोई रिलायंस का अकाउंटिंग बना रहा होगा, रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होगा, तो वो मुकेश अंबानी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है क्या? नहीं, वो किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है? वो रिलायंस लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। सो फ्रेंड्स, एंटिटी मीन्स क्या? डेफिनाइट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, स्पेसिफिकली इन आइडेंटिफाइड बिजनेस एंटरप्राइजेस, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइजेस। जैसे कि हम देख सकते हैं टाटा ग्रुप है, रतन टाटा जी का नाम नहीं सुना होगा, ऐसा तो कोई बच्चा भी इस क्लास में नहीं होगा। सो रिस्पेक्टेड टाटा ग्रुप है, अदानी एंटरप्राइजेस आपको तो पता होगा, अभी सबसे ज्यादा बोलबाल तो इंडिया में अदानी का ही है, अदानी एंटरप्राइजेस। जियो, जियो का सिम बहुत सारे स्टूडेंट यूज करते होंगे, फास्ट नेटवर्क है। वैसे ही रिलायंस लिमिटेड, ये सब क्या है? एंटिटीज है, ये समझो एक बिजनेस है, ये सब क्या है? एंटिटीज है, और इनके प्रस्पेक्टिव से हमें क्या बनाना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, अकाउंटिंग हो, वो किसके प्रस्पेक्टिव से करनी है? एंटिटी के। सो फ्रेंड्स, वैसे ही हमारी दूसरी टर्म है अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स यानी क्या होता है? गुड्स यानी समझो तुम इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गए, टीवी होता है, टीवी क्या है अपना गुड्स है इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए। तुम स्टेशनरी के दुकान में चले गए, शॉप में, उधर क्या मिलता है? पेंसिल मिलते हैं, नोटबुक मिलते हैं, बुक्स मिलते हैं, वो क्या है? गुड्स है स्टेशनरी शॉप के लिए। वैसे ही सर्विसेज क्या होती है? तुम डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर आपको सर्विसेज देता है, आपका हेल्थ चेकअप करता है। वैसे ही आप क्लास में आए, हम क्या सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं? हम टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप मोबाइल में इंटरनेट देखते हो, वो भी क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वाईफाई वाले भी क्या प्रोवाइड करते हैं? वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो ट्रांजेक्शन मीन्स क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज फॉर मनी और मनी इज वर्थ। किसके लिए? बिटवीन टू पार्टीज। अभी समझो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, समझो मैं खुद ही खुद को पढ़ा रहा हूँ, तो वो एक ट्रांजेक्शन हो सकता है क्या? मैं खुद समझो खुद ही की फीस भर के खुद ही पढ़ा रहा हूँ, ये वो ट्रांजेक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बच्चों, क्योंकि ट्रांजेक्शन होने के लिए कम से कम बिटवीन टू पार्टीज लगती है। टू पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, किसके लिए होता है? मनी और मनी इज वर्थ, मनी और मनी की वर्थ, पैसा और पैसे के फॉर्म में ही ट्रांजेक्शन हो सकता है। सो बच्चों, ट्रांजेक्शन मेनली टू टाइप के होते हैं, एक तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है और दूसरा नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है। अभी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन यानी क्या? जिसमें पैसे इन्वॉल्व है, जैसे आपने क्लास में एडमिशन किया,
तो क्या आप पेमेंट करते हो, आप समझो आपने क्लास का पेमेंट कैश से किया, क्लास का पेमेंट आपने कैश से किया तो वो क्या हो गया, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन आप में से किसी बच्चा बोला कि यार सर अभी क्या हुआ, मैं अभी तो ट्रांजेक्शन आपको फीस नहीं दे सकता, लेकिन एक मंथ बाद मैं आपको फीस दे दूंगा या 2 वीक बाद आपको फीस दे दूंगा, तो वो ट्रांजेक्शन क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन क्लास के बाद जो होते हैं, क्लास में तो नॉर्मली नहीं होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, लेकिन जो ग्रोसरी शॉप होती है, जो टीवीज वगैरह होते हैं, उधर बहुत सारे ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं। और कैश ट्रांजेक्शन तो आपको पता है, जिधर आप कैश देके तुरंत ही ऑर्डर लेते हो, तुरंत ही कुछ सामान लेते हो, क्लास हो गया, जैसे डॉक्टर के पास आप चले गए, उधर आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हो क्या, नहीं करते हो। लेकिन आपके किराना शॉप वाला, आपका सब्जी वाला, आपका न्यूज़पेपर वाला, इन सब के पास आप जो ट्रांजेक्शन करते हो क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। जो आपके मंथ एंड में पैसे देते हो वो नॉर्मली क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं। वैसे ही नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, अभी तो ये सिस्टम बंद हो गया, लेकिन जब बहुत पुराने जमाने की बात है, समझो एक किसान है, किसान है, किसान का नाम है रमेश नाम का, हमारा ये किसान है, इसकी फार्म है, लैंड लैंड पे उसने क्या किया, राइस उगाया, गेहूं लगाया, बहुत सारी चीजें उसने ये की। बाद में इसको क्या जरूरत थी, समझो किसी कपड़े की जरूरत थी और अदर चीजों की जरूरत थी, तो वो क्या करता है, जो ये राइस होता है, राइस क्या करता है, समझो इस शॉप वाले को देता है, और राइस के एक्सचेंज में वो क्या परचेज करता है, कपड़े परचेज करता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं, इन टाइप के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। लेकिन करंटली नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बिल्कुल ही खत्म हो गए। मेनली अभी हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन किस पे करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, अभी आपके पास तो नहीं होगा लेकिन आपके घर वाले हो, और मेनली जो यंगर जनरेशन होती है वो क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं कि अभी पैसे खर्च करो, कुछ सामान चीजें बाय करो, शॉपिंग करो, और बाद में मंथ एंड में क्या कर दो, पेमेंट कर दो। वैसा ही मेनली ये होता है। सो बच्चों, ये दोनों टर्म्स हमने आज इस वीडियो में पढ़े। हमारी बैच 17 जून से 11th 12th अकाउंटिंग के लिए स्टार्ट हो रही है इंदुलाल कॉम्प्लेक्स में। सो बच्चों, इसी टाइप की वीडियोस, बेसिक टर्मिनोलॉजीज और बाकी अकाउंटिंग की जो ABCD है, और बहुत सारी अलग अलग जो प्रैक्टिकल लाइफ में नॉलेज आपको यूज में आती है, वो सभी चीज़ें हम इस लेक्चर में, इस हमारे बैच में पढ़ाने जा रहे हैं। सो इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।